और पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। एक्सलेंसीज, एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है और आधुनिक समय में भी हमारे लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा, सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यह हमारी अध्यक्षता का थीम और हमारे एससीओ के विजन का प्रतिबिंब है। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन तथा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। एक्सलेंसीज, भारत ने एससीओ की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत 140 से अधिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों और बैठकों की मेजबानी की। हमने एससीओ के सभी ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स को 14 विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया है। एससीओ की 14 मंत्री स्तर की बैठकों में हमने मिलकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं। इनसे हम अपने सहयोग में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं, जैसे ऊर्जा क्षेत्र में इमर्जिंग फ्यूल्स पर सहयोग, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में डी कार्बनाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग। भारत का प्रयास रहा है कि एससीओ में सहयोग केवल सरकारों तक सीमित न रहे, लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अध्यक्षता में नई पहलें ली गई हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का आयोजन किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी इटर्नल सिटी वाराणसी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। एससीओ देशों के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, यंग रेसिडेंट स्कॉलर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फोरम, यूथ काउंसिल जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया। एक्सलेंसीज, वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए
एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है, क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, क्या SCO एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस विषय में भारत SCO में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। बात हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं, मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। एक्सलेंसी, SCO विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 1/3 का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की जरूरतों और संवेदनशीलताओं को समझें, बेहतर सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से सभी चुनौतियों का समाधान करें और हमारे लोगों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में आप सबसे हमें निरंतर सहयोग मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं SCO के अगले अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट टोकायेव को पूरे भारत की ओर से